समर बबुआ जी, हम मिल्ली को फोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है। वॉइस मैसेज में भगवान जी जाने का कब। हम सोचे थे हवन है घर में, बुला ले उसे भी। होते फिकर हो रही है, कहीं आपसे कोनो लड़ाई तो नहीं हुई है ना? पता नहीं भाभी, पता करके बता। तो विनायक इंद्र के टुकड़ा देख तो भाग चंद्रो गजान में द्वार शैतान नाम आनी है पसे सुया दी विद्या रंबे विवाह जब प्रवेश इन घर में का संग्राम में संकते थे और दिन सत्य न जाए थे शुक्लांबर धर्म देवम शतवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये त सर्व विनो शांत है तुम समर भी आमी पुष्प चढ़ा दी। लीजिए इसे आप अपने पास रखिए और मंत्रोच्चारण के साथ आप आहुति डालिएगा। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। प्लीज फोन अभिनंदन भैया, प्लीज फोन करिए। हेलो अभिनंदन भैया। समर कहाँ हो यार, घर में हवन हो रहा है, क्या बात कर। अभिनंदन भैया मैं जल्दी से मेरे पास आ गई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। अभिनंदन भैया मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। तुम हो कहाँ? मैं मिन्नी के घर पे। आई डॉक्टर साहब, आई। ये तो पुलिस केस। अभिनंदन जी पुलिस को भी बताना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप चेक कीजिए, पुलिस वुलिस बाद में देखें। और ये मत भूलिए कि हमारी अम्मा के हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, मैंने जरूरी है पहले कीजिए। पल्स और हार्ट बीट बहुत स्लो, मैं इनको दवाई दे देता हूँ, अगर जल्दी फर्क नहीं पड़ा तो हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना। आप जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए मैंने हॉस्पिटल ले जाने की नौबत ना। तुम इधर आओ, हमको बताओ कि चल कहाँ रहा है। मैंने तुम्हारे और मिन्नी के बीच ऐसा कहाँ किए हो, पूरी देवरिया रंगी हुई। सच सच बताना बात का, और एक बार अगर हॉस्पिटल चली गई ना
तो बात हमारे हाथ से भी निकल जाए। मैं आपको सब सच सच बता, मिनी जब घर छोड़ के रूम पे वापस आ गई थी तब मैं उसे मना के घर वापस ले जाने आया, और फिर वो ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। अरे बहू आओ बेटा आओ। हमारा अपना ही घर है, आ जाओ। पाऊजी, हमारे छोटे भाई की बहू है इंदु। पंडित जी रुक जाइए, अनिष्ट हो गया। अभी हवन संपन्न नहीं हो पाएगा। कप्तान साहब, ये आपने क्या किया? हम बलबल के लिए हवन करवा रहे थे कि घर में सुख शांति आए, और आप ये किसे लेकर आ गए? मलकिन, आपने शायद इसे पहचाना नहीं। कप्तान साहब, हमारी याददाश्त इतनी मैली नहीं कि हम अपने खर खानदान के लोगों को ना पहचाने। ये हमारे स्वर्गीय देवर की विधवा बहू इंदु ही है ना? इंदु बहू, सुबह से हवन हो रहा है, सब चौपट कर दिया तुमने। हमें पता है किसकी काली नजर लगी है। छट्टी बहू, हिंदु बहू का सामान रोमी के बगल वाले कमरे में रखो। ये तीजा के कमरे में उसके साथ रहेगी, हम इसका सामान तीजा के कमरे में रखवा देते हैं। कप्तान साहब, कुछ काम हमें ही करने दीजिए, और हमें लगता है कि हिंदु बहू को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी, वो इस बात को समझ रही है। लेकिन तीजा के कमरे में रहने में समस्या क्या है मलकिन? अरे आप चाहते क्या है कप्तान साहब, कि तीजा रोज सुबह उठकर एक विधवा का चेहरा देखे? मलकिन आप, छोटकी बहू, हिंदू बहू का सामान लेकर जाओ कमरे।
ये अभिनंदन और समर नहीं दिख रहे, कहाँ गए? बाबूजी, ये तो अभी यहीं बैठे थे हवन में, एक फोन आया था, हड़बड़ी में निकल गए, शायद फैक्ट्री से आया होगा। और समर बबुआ तो सुबह से ही गायब हैं बाबूजी, हवन में भी नहीं बैठे। ये भी अचानक निकल गए, फोन आने के बाद कहीं ये भी वैलेंटाइन डे मनाने तो नहीं चले गए? अभी का बात हुई, तुम कोई नान के बच्चा होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तुमको कुछ पता नहीं, पर आई लड़की के साथ वो के घर में रात गुजार दिए और तुमको कुछ याद है नहीं? मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छी वाली बात बच जा रही, शादीशुदा हो तुम, ऐसा कैसे बात कर सकते हो? और मिन्नी हमारे ससुराल से, गिन्नी उसके परिवार वालों को पता चला ना तो बवंडर हो जाए। वो कुछ भी हुआ है, हुआ तो बहुत ज्यादा माने गला था। एक तो जरूरी काम आ गया था तो निकल आया। कहीं जरूरी काम, वैलेंटाइन डे मनाना तो नहीं है ना अभी किसी और के साथ? अरे बौरा गई हो क्या, कुछ भी बके जा रही है। अच्छा तुम फोन रख रही कि हम रखें? माई रे माई, आप मेरे अंदर आओ, अंदर आओ ना। माफ करना, हम तुम्हारा नाम भूल गए। जी, इंदु। इंदु, लगता है कि ये कमरा काफी दिनों से खुला नहीं है। मगर इंदु, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम धीरे धीरे इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ जी, आप परेशान मत होइए, हमारा काम चल जाएगा इतने में ही। अरे ऐसे कैसे, जीना है इसलिए थोड़ी ना जीना चाहिए, जितनी भी जिंदगी मिली है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लगता है ताई जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। इंदु, ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ अपनी ताई जी की बात तो बिल्कुल दिल से मत लगाना। और जानती हो इंदु, उनके प्यार करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मानो वो गुस्से में हो, मगर ऐसा कुछ नहीं है,
सबका बहुत ख्याल रखती है वो और सबसे बहुत प्यार करती है। बस दीदी आप अब रहने दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। इतने थोड़े से वक्त में इतना लाड दुला दिया कि कुछ ना भी मिले तो भी हम रह लेंगे। आप बहुत अच्छे इंदु, अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं। और हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम अधिकार से हमसे काम करने के लिए कहोगी। अच्छा सुनो, हम अभी चलते हैं, तुम आराम करो और जाके हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो ना हमें आवाज दे लेना, ठीक है? ख्याल रखो अपना। अभिनंदन जी। हाँ, अभी इनकी पहले से कंडीशन ठीक है, शायद इन्होंने 4-5 नींद की गोलियां खा ली, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनको थोड़ी देर में होश आ जाए, दवाई अपना असर कर रही है। समर जी, हमने बस आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि बाबूजी आ गए हैं और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। आप मिनी के साथ हैं? यदि